नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर एसपी तरुण नायक ने बड़ी कार्रवाई की। मोती नगर थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें, पिछले दिनों सागर में एक मामला बहुत तेजी से गरमाया था। चांदी की कथित तस्करी के मामले को लेकर एसपी तरुण नायक ने प्रभावी कार्रवाई की। इसमें मोती नगर थाना प्रभारी सतीश और कथित एसपी स्क्वाड के 6 सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई खुरई एसडीओपी सुमित केरकेटा से मिले जांच प्रतिवेदन के आधार पर की है। एसपी तरुण नायक ने देर रात इनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया और सस्पेंड होने वाले अमले में पुलिसकर्मी हेमंत ठाकुर, अमित चौबे, मुकेश जाटव, प्रदीप शर्मा, आशीष गौतम, मनीष तिवारी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि मामला पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी चर्चा में आया था। इसके कुछ सदस्य मालथौन चेक पोस्ट पर एक सफ़ेद कार की कथित चेकिंग कर उसे अपने साथ ले जाते हुए दिखे थे। वीडियो वायरल हुआ था। बाद में सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई कि इस दस्ते ने चांदी की तस्करी में लिप्त कुछ लोगों को पकड़ा था और उन्हें लेन देन कर छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर यह बात आने के बाद एसपी तरुण नायक ने इसमें स्वयं संज्ञान लिया था और वही यह बात गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंची थी। बहरहाल ताज़ा कार्रवाई में एसपी तरुण नायक ने इन सभी को कदाचरण का दोषी माना है। एसपी के अनुसार यह सभी अपने थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए बगैर मालथौन चेक पोस्ट पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों का यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बहरहाल कार्रवाई हुई है, ये बड़ी बात है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।